हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई होप यू ऑल आर ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। लेट अस स्टार्ट अवर डे विथ ऑलमाइटी गॉड। सो ऑल ऑफ यू प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। लेट अस रिसाइट गणेश श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम पैटर्न स्टार्ट की है। ओके, सो वी विल टेक द कर्सिव राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न कर लेंगे, राइट। टेक आउट योर बुक, राइट। वी हैव लर्न टिल हियर, राइट। हमने यहाँ पे डॉटेड पैटर्न की थी, राइट। तो इसका कोई रिविजन नहीं ले रही हूं मैं। आई एम डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस पैटर्न, राइट। और जितनी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको कर्सिव के जो कर्व्स होंगे वो ब्यूटीफुल होंगे। ओके स्टूडेंट, सो मेक अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, तो इसमें आपको बोर नहीं होना है। आप जितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से और स्लोली इसका कर्व्स करोगे उतने ही ब्यूटीफुल आपके कर्सिव के राइटिंग भी होंगे, है ना। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, इवन आपके भी कभी कभी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होते हैं। तो वो कब होते हैं? जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती है तो। ओके राइट, चलो तो आज हम उसमें ये वाली पैटर्न सीखेंगे, राइट। चलो, ये किस टाइप की है? जस्ट वी जैसा फॉर्मेशन है, राइट। बहुत ही स्मॉल वाली पैटर्न है, राइट। तो इसको हमें बहुत ही धीरे धीरे करना है, राइट। वंस यू हैव अ ग्रिप ऑन दिस, आई श्योर यू दैट यू विल हैव योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एंड यू नो ना, एवरीवन लाइक्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इवन आपके पेरेंट्स भी ये बोलते होंगे ना कि और अच्छे राइटिंग करो, है ना। यस, तो बिकॉज ब्यूटिफुल राइटिंग लाइक्स बाय ऑल। ओके चलो, तो ये वाला आपको कंप्लीट करना है, राइट। चलो एक बार विदाउट ट्रेसिंग भी दिखा देती हूं। ओके चलो नेक्स्ट पैटर्न ले लेते हैं। ये है हमारी इस टाइप की एल, राइट। यहां से स्टार्ट करेंगे एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग द डॉट्स, राइट। Now without tracing, next ले लेते हैं। ये कुछ ऐसे रोल जैसी है ना। चलो नीचे सर्कल ऐसा राउंड जैसा ही करना है, राइट। मजा आएगा हाँ स्टूडेंट्स इसमें, राइट। चलो विदाउट ट्रेसिंग मिडल लाइन में ही करना है, वो याद रखना है। लाइन फॉर्मेशन देखते जाना स्टूडेंट्स। ओके चलो नेक्स्ट, अभी ऊपर की साइड पे सर्कल करना है और नीचे टर्न लेना है।
गॉट इट स्टूडेंट? ओके, नाउ विदाउट ट्रेसिंग इन द मिडल लाइन, आगे की पैटर्न में हमने ये कर्व्स था वो नीचे की साइड पे लिया था, अब है वो ऊपर की साइड पे लेंगे. ओके, यू हैव टू जस्ट डू इट लाइक दिस, राइट? ओके, नेक्स्ट है ई, राइट? हम कर्सिव का ई इस तरीके से लिखेंगे, राइट? तो अब ये कर्व्स है वो कहाँ पे चला गया है? साइड में, लिटिल बिट स्लांट है, राइट? वो वाला था वो हमने एग्जैक्ट उसके मिडल में ऊपर की साइड पे किया था, राइट? नाउ इट इज समवट इन द साइड, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट पैटर्न यू, राइट? चलो कर्सिव का यू जस्ट इसी तरीके से ही हम लिखेंगे. हाँ स्टूडेंट्स, कर्सिव का यू, यस, राइट? तो ऐसी वाली पैटर्न्स आपको कर्सिव लिखने में हेल्प करेगी. ओके, चलो यस, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कितनी पैटर्न सीखी? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट? एक वी वाली पैटर्न सीखी, एक एल वाली सीखी, एक नीचे सर्कल वाली सीखी, राइट? और एक ऊपर सर्कल वाली, एक साइड में सर्कल और एक हमने यू सीखा. ओके स्टूडेंट, अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा आज का वर्क ज्यादा लगे, राइट? बिकॉज आज हमने देखो कितने पेज किए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट? 6 पेज किए हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग कंप्लीट ना कर पाओ एक ही दिन में. तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज. अगर एक आध पेज रह जाता है आप लोगों का, तो आपको कब करना है वो? आपको हमारे राइम्स के सेशन में. बट अगर बहुत थक गए हो तो ही, हाँ स्टूडेंट्स, वरना हो सके तो ये पैटर्न सब तो क्या है, आपकी जो हैंड की मूवमेंट है ना वो भी हाथ में अच्छे से बैठ जाएगी. ओके, सो इट इज एडवाइजेबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन वन डे ओनली. बट अगर आप बहुत थक गए हैं या फिर ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स, तो आप लोग हमारे जो राइम्स का सेशन होता है उस दिन मैं आपको सिर्फ 2 कलरिंग का ही देती हूँ, तो उस दिन भी आप ये वाला वर्क कर सकते हैं, राइट? तो क्योंकि वहां पे हम राइटिंग का कोई वर्क नहीं देते हैं, और मैं इसीलिए ही नहीं देती हूँ कि कई बार क्या होता है, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो हो सकता है कहीं पे कहीं थक गए हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं लिख रहे हैं, तो यू विल गेट अ सफिशियंट टाइम इन दैट वन लेक्चर. ओके स्टूडेंट, सो उसी तरीके से ही मैं वीडियो सेंड करवाती हूँ कि भाई बीच में राइम्स का जब डे है तो आपको थोड़ा राइटिंग में रिलैक्सेशन रहे, और इस वीक में अगर आपको कहीं पे कोई वर्क रह गया है पेंडिंग तो आप उसमें कंप्लीट कर पाए. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कर्सिव के स्मॉल लिखना स्टार्ट कर देंगे. ओके स्टूडेंट, और उसमें भी होमवर्क तो रहेगा ही. हाँ स्टूडेंट्स, इसीलिए मेक अ हैबिट टू राइट एटलीस्ट 5 to 6 पेज इन इंग्लिश. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम कंक्लूड माय सेशन. गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. बाय बाय.